नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पुणे से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पुणे के ही लुल्ला नगर इलाके के मशहूर होटल में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद बताई जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर इलाके के एक मशहूर होटल में आग लग गई है और आग होटल की 4th मंजिल पर लगी बताई जा रही है। बता दें कि दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और बुझाने का काम लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पुणे से, जहां पर आग लगने की होटल में भीषण आग लगी है। होटल में ये जानकारी मिल रही है। फिलहाल अभी सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं और दमकल की गाड़ियां मौके पर तैनात बताई जा रही हैं। आग बुझाने का कार्य लगातार जारी है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के पुणे के ही लुल्ला नगर इलाके के एक मशहूर होटल में आग लग गई है और आग होटल की 4th मंजिल पर लगी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी के मोरबी दौरे से पहले अस्पताल में रंगाई पुताई का काम चल रहा है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पीएम मोदी दौरा करने वाले थे और अस्पताल में जाने वाले थे और उससे पहले ही पीएम मोदी के मोरबी दौरे से पहले ही अस्पताल में रंगाई और पुताई हो रही है। कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है और कह रही है त्रासदी का इवेंट है। बड़ा बयान आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस की ओर से बयान सामने आया है, उनका कहना है कि त्रासदी का इवेंट है। गुजरात के मोरबी में ब्रिज हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मौके पर ही पहुंच सकते हैं और पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक भी एक्टिव हो गया है। और इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद विपक्षी दल खासतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार को निशाने पर ले लिया है और कांग्रेस ने इसे इवेंटबाजी कहा है। तो आपने फोटोशूट की तैयारियां बताकर तंज कस दिया है। मोरबी में आपके प्रत्याशी पंकज भाई राणसरिया ने अस्पताल में पहुंचकर काम को बंद करवाया है। बता दें आपको कि रविवार की शाम गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूट जाने से बड़ा हादसा हो गया था और घटना में 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इस हादसे के बाद से ही पीएम मोदी ने तत्काल गुजरात के ही सीएम से बात कर जानकारी ली थी और राहत बचाव कार्य के बारे में भी निर्देश दिया था। इतना ही नहीं, सोमवार को पीएम मोदी गुजरात के बनासकांडा की जनसभा में मोरबी हादसे का जिक्र कर भावुक भी हो गए थे और बाद में देर शाम उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की और राहत और बचाव कार्य की जानकारी लेकर दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद अब सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मोरबी अस्पताल पहुंच सकते हैं और घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसे में अस्पताल में तैयारियों की जो तस्वीरें हैं, उस पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। बता दें आपको कि पीएम मोदी के मोरबी दौरे से पहले अस्पताल में रंगाई पुताई हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस त्रासदी का इवेंट बता रही है। गुजरात चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज हो सकता है गुजरात चुनाव का ऐलान। बड़ी जानकारी सामने आ रही है गुजरात चुनाव को लेकर कि आज हो सकता है गुजरात चुनाव का ऐलान। 2 चरणों में हो सकते हैं मतदान। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग द्वारा आज दोपहर तक गुजरात में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये चुनाव 2 चरणों में हो सकता है। दिसंबर को पहले सप्ताह में वोटिंग कराई जा सकती है। अभी तक सामने आई जानकारी ये भी है कि 1 से 2 दिसंबर को पहले चरण और 4 से 5 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान हो सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को घोषित किए जा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है गुजरात चुनाव को लेकर, जहां पर यह बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव का ऐलान आज हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 चरणों में यह मतदान हो सकते हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव का ऐलान आज हो सकता है। वही नतीजे की बात करें तो फिर 8 सितंबर को
नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 8 सितंबर को ही, माफ कीजिए, दिसंबर को ही नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रंभा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रंभा का एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें कि रंभा का एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बुरी तरह से डैमेज उनकी कार हो गई है, अस्पताल में भर्ती उनकी बेटी हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, फिलहाल अभी सभी को सुरक्षित बताया जा रहा है। बता दें कि बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी है एक्ट्रेस रंभा, और इसके साथ ही उनको लेकर शॉकिंग खबर सामने आ रही है। एक्ट्रेस की कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में रंभा की कार चकनाचूर हो गई है, ऐसी जानकारी है। कार में एक्ट्रेस के बच्चे और उनकी नैनी भी मौजूद थी। एक्ट्रेस की बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, और कैसे हुआ है एक्सीडेंट ये भी हम आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस रंभा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कार एक्सीडेंट की शॉकिंग खबर को लेकर फैंस के संग साझा किया है। उन्होंने कार की तस्वीरें भी शेयर की हैं। फोटोज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रंभा की कार बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। हालांकि उन्हें ज़्यादा चोटें नहीं आई। एक्सीडेंट की दुखद खबर फैन संग साझा करते हुए रंभा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि बच्चों को स्कूल से पिक करते हुए हमारी कार की एक दूसरी कार से टक्कर हो गई, और मेरे साथ बच्ची और नैनी कार में थे, और हम सभी सुरक्षित हैं। हमें हल्की चोटें आई हैं, लेकिन मेरी नन्ही शाशा अभी भी हॉस्पिटल में है, और प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें। आपकी दुआएं बहुत मायने रखती हैं। तो आपको बता दें, बड़ी जानकारी, जहां पर रंभा की कार का एक्सीडेंट बताया जा रहा है। रंभा ने कार की फ़ोटोज़ शेयर करने के साथ ही हॉस्पिटल के रूम से अपनी बेटी की फ़ोटो भी साझा की है। रंभा की बेटी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। रंभा ने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि वो उनके लिए प्रार्थना करें। रंभा की पोस्ट पर सेलिब्रिटीज़ और फैंस कमेंट भी कर रहे हैं, और आपको बता दें कि उनकी बेटी के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं भी की जा रही हैं। वहीं कई लोग इस मुश्किल समय में रंभा को स्ट्रांग रहने की भी सलाह दे रहे हैं। रंभा की पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। रंभा के एक्सीडेंट की खबर ने फैंस को परेशान करके रख दिया है। बता दें आपको कि रंभा भले ही अब फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन एक समय में बॉलीवुड में उनका बड़ा नाम था। रंभा सलमान खान के साथ जुड़वा फिल्म में नजर आई हैं, और उन्हें इस फिल्म में खास पहचान मिली थी। जुड़वा के अलावा रंभा घरवाली बाहर वाली, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता समेत कई फिल्मों में काम किया है, और हिंदी सिनेमा के अलावा रंभा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और बंगाली फिल्मों में भी उन्होंने काम कर चुकी है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है एक्ट्रेस रंभा को लेकर, जहां पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट बताया जा रहा है और बुरी तरह से डैमेज बताई जा रही है। उनकी कार एक्सीडेंट के कारण बुरी तरह से डैमेज हो गई है। फिलहाल सभी को उन्होंने सुरक्षित बताया है, लेकिन उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, जिनके लिए वो फैंस से दुआ करने की अपील लगातार कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।